बैक टू माई वर्ल्ड प्राची's वर्ल्ड प्राची की दुनिया में आपका स्वागत है एंड टुडे आई एम हियर विद माई न्यू ब्रांड न्यू मेकअप वीडियो और यू कैन से अ चैलेंज काइंड ऑफ वीडियो. मैंने ना एक यूट्यूबर को देखा था ये चैलेंज करते हुए और बहुत से लोगों ने मुझे भी रिकमेंड किया जो मेरे पर्सनल फ्रेंड्स लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप इस पे बनाओ वीडियो. तो मैं आ गई हूँ उन्हीं सबों की रिक्वेस्ट पूरा करने के लिए. 10 रुपीज मेकअप चैलेंज वीडियो. और पता है आपको इस वीडियो के लिए मुझे गाइस आई हैड सफर अ लॉट. मुझे 10 रुपए की मेकअप की चीज आप सोच सकते हो कहीं मिलेगी, कहीं कहीं मिल जाती है, बट कुछ कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा एसेंशियल है आपके फेस के लिए वो नहीं मिलती है और मुझे भी नहीं मिली. तो जितनी चीजें मैं ले पाई हूँ ऑफकोर्स मैं उस पर उसी से काम चलाऊंगी आज और इस चैलेंज को पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि इस चैलेंज को पूरा कर सकूं. तो आप देख सकते हो कि मैंने मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया है, अच्छे से फेस वॉश करके इस चैलेंज को करने के लिए बैठ गई हूँ बेयर फेस बिल्कुल. और तो चलिए ज्यादा बड़बड़ ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट. लेट्स गेट द वीडियो. तो मैं यहाँ पे 10 रुपीज का हिमालया केसर फेस पैक लगा रही हूँ, अपने स्किन को अच्छे से प्रेप कर लूंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ऑफ कोर्स सबसे पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे क्योंकि आपके पास प्राइमर तो है नहीं और 10 रुपीज में, ओ गॉड, 10 रुपीज में प्राइमर तो आएगा नहीं फॉर श्योर. तो मैंने प्राइमर को स्किप किया है, मैंने एलोवेरा जेल लगा लिया था थोड़ा सा फेस वॉश के बाद. मेरे टेरेस पे जो एलोवेरा जेल है वो भी आपको प्राइमर का ही काम करता है. अब मैं इस पे अपने फेस पे लगाने वाली हूँ मुझे 10 रुपीज का ये आप देख सकते हो ये जॉय का मॉइस्चराइजर है. दिस इज स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजिंग स्किन क्रीम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो गई है तब मुझे अभी करना है अपने ब्राउ को फिल. तो उसके लिए मैंने ये 10 रुपीज का ADS का ब्राउ पेंसिल मुझे मिल गया. कहाँ कहाँ मैं नहीं गई हूँ अपने ब्राउज को इनहेंस करूंगी. सो लेट्स डू इट, देखते हैं हाउ इट वर्क. थोड़ा सा ज्यादा मुझे डार्क लग रहा है क्योंकि ये मुझे ब्राउन कलर में नहीं मिला, जेट ब्लैक मिला आप देख सकते हो, बट ठीक है चलेगा, इट्स सो क्यूट. नेक्स्ट, और हाँ आप मुझे बताना कि आपको ये मेरा एफर्ट कैसा लगा कि मैं ये चैलेंज कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट वो है, इतनी जगह मैं गई मेरे को 10 रुपीज में कोई फाउंडेशन कोई बीबी क्रीम कोई सैशे, मैंने बोला कहीं से भी मुझे मिल जाए, सैशेज भी चलते हैं आजकल बट वो 30-40 रुपीज से ही के थे. तो मैंने क्या किया, मैं आपके सामने लाइव फाउंडेशन बनाने वाली हूँ लाइक बीबी क्रीम जो आपको लिटिल कवरेज देगा. तो एक सेकेंड में ये सेट कर लूँ कैमरा. हाँ तो मैं क्या करने वाली हूँ इस क्रीम में, मैंने ये 10 रुपीज की सी ये लिपस्टिक ली है ब्राउन शेड में. क्या क्या करना पड़ता है मुझे आप सबके लिए, जाओ अभी जाके इस पहले इस वीडियो को लाइक करो ठीक है. तो मैं अभी इसको थोड़ा सा यहाँ से लूंगी, इसको मैं थोड़ा सा कट कर लूंगी उसा और इसको अपने हाथों पे ट्राई कर रही हूँ मैं बीबी क्रीम बनाने का. ये बहुत ज्यादा डार्क हो जा रहा है ना गाइस, मुझे नहीं मिला तो मैं क्या ही कर सकती, थोड़ी और लूंगी मैं इसमें आप देख सकते हो मेरी स्किन को बहुत डार्क. तो मैं इसको थोड़ा सा लेके डैप डैप करके देखती हूँ और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है मैं ये कर क्या रही हूँ. कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने बीबी क्रीम भी अप्लाई किया, इवन मेरी स्किन और थोड़ा सा
डल लग रही है इसको लगाने के बावजूद। सो मुझे समझ में नहीं आया, मैं बिल्कुल भी फ्लॉप गया मेरा ये आइडिया, तो इससे तो मैं स्किप कर रही हूँ। बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ और मुझे सब कुछ वाइप करना पड़ा। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है थोड़ा सा इसी लिपस्टिक को मैं एज अ कॉन्टोर यूज करूंगी। थोड़ा सा ये आपके फेशियल स्ट्रक्चर को शार्पन करता है, ठीक है, आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सी फ्रूट बाम लिया है और ये ब्लू हेवन का है, 10 रुपीज का मुझे ये भी मिल गया। तो अब लिपस्टिक की बारी है, तो उससे पहले अपने लिप्स को थोड़ा सा हाइड्रेट कर लेते हैं, एंड इट्स वेरी एसेंशियल पार्ट, डोंट स्किप इट। तो चलो ये लिपस्टिक मैंने ली थी 10 रुपीज की, इसको लगाते हैं। फाइनली इतने स्ट्रोक के बाद ये लगा है और इसका ये टेक्सचर है, इट्स नॉट मच पिगमेंटेड, बहुत ही ज्यादा आपको रब करना पड़ेगा, बट आप 10 रुपीज से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चैलेंज है जो कि मैंने आप सबके लिए किया। अब इसी को मैं एज अ ब्लश यूज कर लूंगी, एज अ आई शेडो यूज कर लूंगी। नाइस ना, चलो अब ब्लश आई शेडो ये सब आपको 10 रुपीज में नहीं अवेलेबल होता है कहीं भी। नेक्स्ट मैं ये काजल भी मैंने लिया है, ये भी मुझे 10 रुपीज का मिल गया एडीएस का। चलो इसको खोल के देखते हैं। ओह माय गॉड, ये तो कुछ और ही कलर का काजल मिल गया मुझे, ये थोड़ा सा ब्लूइश है और थोड़ा ग्लिचरी है, तो इसको मैं एज अ काजल यूज नहीं करूंगी। जो मैंने ये एडीएस का ब्राउ पेंसिल लिया था, इससे मैं इसको एज अ काजल अप्लाई करती हूँ। स्मच कर लो अपने हाथों से ही। और जो मैं इसकी बात कर रही थी, ये जो ग्लिटरी पेंसिल मिल गई है मेरे को थोड़ा सा इसी से मैं इससे लाइनर ड्रॉ कर लूंगी, एक आईलाइनर का ही काम कर लूंगी, क्योंकि आईलाइनर 10 रुपीज में इम्पॉसिबल है। मैंने ढूंढा गाइस, मुझे नहीं मिला, तो चलो ये काम नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा हार्श है, इतना ज्यादा मैं रब नहीं कर सकती, आईज बहुत डेलिकेट होती है, तो मैं इसे स्किप करती हूँ। ये बिल्कुल भी वर्थलेस प्रोडक्ट मैंने ले लिया, ये काम नहीं कर रहा है। मैंने एक और चीज ली है, मुझे 10 रुपीज में ये भी एक ऑप्शन मिल गया था एडीएस का, ये भी है, ये उसने मुझे बोला कि ये लाइनर है, तो मैंने बोला ठीक है चलो मेरे इस चैलेंज में काम आ जाएगा, तो मैंने सोचा इससे ही थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करती हूँ, एज अ आई लाइनर में इसे अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। वाओ, इट वर्क्स, ये उससे तो अच्छा ही है, बेटर ही है, आई एम लविंग दिस। वाओ, थोड़ा सा मैं लोअर वाटरलाइन में भी इसको लगा लेती हूँ। आई मेकअप भी हो गया है मेरा 10 रुपीज के प्रोडक्ट से, जो भी कुछ मैंने ट्राई किया ठीक ही था, एक्सेप्ट वो काजल और ये लिपस्टिक थोड़ी हार्श थी। और मैं ये मुझे 5 रुपीज का एक पाउडर मिल गया है, इसको मैं एज अ मेकअप सेटर यूज कर लूंगी, लूज पाउडर लगा लूंगी अपने चेहरे पे, जिससे थोड़ा बहुत भी जो मेकअप किया है मैंने आप सबके लिए ये चैलेंज वो टिका रहे, तो मैं थोड़ा सा इसको अपने हाथों पे ले लूंगी। जो है ब्रश की हेल्प से मैं हटा दूंगी, मेकअप फिक्सर का काम कर दिया बेसिकली। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने जो लिए थे, जो मैंने आपको दिखा दिया है, अब ये मेरा फाइनल लुक है। तो यही था इस चैलेंज में, लेट मी शो यू माय फाइनल लुक। सी 10 रुपीज मेकअप चैलेंज गाइज। सो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये चैलेंज वीडियो पसंद आया होगा। हाइलाइटर नहीं था और कोई भी लिपस्टिक ऐसी नहीं थी जिसमें थोड़ा सा ग्लिटरी या शाइनी इफेक्ट हो,
जिससे मैं उसको अपने हाईलाइटर पॉइंट्स पे उसको हाईलाइट कर सकूं। बट मेरे पास एक आइडिया है, ये जो ग्लॉसी लिप बाम है ना, इसको भी मैं एज अ हाईलाइटर यूज कर सकती हूँ अपने हाईलाइटिंग पॉइंट्स पे। थोड़ा सा ड्यूई इफेक्ट देगा, ग्लोई देगा इफेक्ट। ओह माय गॉड, आई एम सो इंटेलिजेंट। So this is my final look and I hope आप सबको ये मेरा challenge video पसंद आया होगा। और अगर आप और भी चाहते हो कि मैं ऐसे ऐसे challenges आपके पास लेके आऊँ तो मुझे please comment section comment करो, okay? Like करो इस video को, इतना effort लगाया है। Share करो अपने दोस्तों में, friends में, like, share and please support एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट। तो यही था इस वीडियो में और मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज, और प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये चैलेंज वीडियो कैसा लगा। बाय।